कोविड-19 टीकाकरण के दूसरे चरण में शुक्रवार को फ्रंटलाइन कर्मियों को टीकाकरण किया गया, जिसमें कमिश्नरी कार्यालय के कर्मचारियों को कोवैक्सीन लगाया गया। आपको बता दें कि टीकाकरण में कमिश्नरी कार्यालय के कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा टीकाकरण के समय कर्मचारियों को सोशल डिस्टेंस के साथ कोवैक्सीन लगाया गया। टीकाकरण के बाद लगभग 25 मिनट प्रतीक्षालय रूम में कर्मियों को बैठाया गया, उसके बाद ही उन्हें बाहर जाने दिया गया। फिलहाल किसी भी कर्मियों को टीका लगने के बाद कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी ने कहा, आज हमारी कमिश्नरी में जो है सभागार में जो है हमारे कर्मचारियों को लगाया जा रहा है। हमारे यहाँ कर्मचारी टोटल जो है 67 की लिस्ट है, अभी आज कितने लोगों का लग पाएगा तभी क्लियर हो पाएगा।